के पाउच पर लिखा होता है, लेकिन फिर भी लोग इसे खाते हैं। अगर किसी पान मसाले को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो ये साबित होता है कि वास्तव में उस मसाले में कुछ ऐसा मिलाया जा रहा है जो कि खतरनाक होगा। ऐसे ही हुआ विमल पान मसाले के मामले में। इस मसाले में खतरनाक केमिकल पाया गया, लिहाजा विमल मसाले को मथुरा खाद्य विभाग के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। विमल पान मसाला है जिसका सैंपल हमने गत माह में लिया गया था, तो इसकी जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि ये लैब द्वारा इसे अंश घोषित करा गया है और इसके अंदर गैम्बियर एक कलरिंग एजेंट है वो पाया गया है। चूँकि पान मसाला में गैम्बियर को मिलाना प्रतिबंधित है, इसको देखते हुए इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया संपूर्ण जनपद में। ना इसका कोई भंडारण करेगा ना विक्रय करेगा। ये सर कब तक जारी रहेगा ये आदेश? ये अब हम जहाँ से इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस पान मसाला की, उनको एक लेटर भी हम कल जारी करेंगे। जब तक वो ये हमें आश्वासन नहीं दे देते कि अब जो प्रोडक्शन होगा विमल पान मसाला का वो सही होगा, इस तरह का कुछ एडेंटेशन या कोई ऐसा कलरिंग एजेंट हम नहीं मिलाएंगे, तभी मैं अपने जनपद में बिक्री का परमिशन लेंगे, अदरवाइज हम परमिशन नहीं देंगे। सर कोई पैक्ड मिल्क को लेके भी कोई जारी किया गया आदेश? हाँ, एक अजंता राज ब्रांड से एक स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना लिया गया था, उसके जांच रिपोर्ट में कार्बोनेट पाया गया है। कार्बोनेट चूँकि SMP में मिलाना हानिकारक है और उसको भी अनसेफ घोषित करा गया है, जिसको लेके हमने पूरे जनपद में उसका भी विक्रय भंडारण प्रतिबंधित कर दिया है। शामले की कांडा पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले ही अवैध शराब फैक्ट्री का भाला फोड़ करते हुए 5 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने